हम चाहते हैं कि आप लोग भी अच्छे से फिट रहें, और उसके लिए हम बहुत डिफिकल्ट नहीं, बहुत बहुत अच्छे से हमारे जो पास प्रेसिडेंट हैं वर्षा जी रोटरी क्लब ऑफ मुंबई जुहू की, वो आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे। आपको एकदम समझ में आए, इतने बढ़िया तरीके से इंटरेक्ट करके जो प्राणायाम है, जो योगिक क्रियाएं हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगी। हर एक क्रिया का आपके जीवन में क्या उसका फायदा होगा वो भी आपको समझाएंगी, और सही आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप बिल्कुल उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे पे हमारे रोटरी से हमने बहुत कुछ बहुत सारी एक्टिविटीज आज सुबह से हम लोग कर रहे हैं, और उसमें हमने व्हील चेयर से लेके बहुत सारा रेशन किट्स हमने बहुत 3-4 ओल्ड एज होम्स को दिया है, और अभी अभी गोरेगांव में एक आसीसी भवन करके एक ओल्ड एज होम है, वहाँ पे एक क्लब है रोटरी क्लब ऑफ मुंबई एलिगेंट, उन्होंने 100 किट्स रेशन किट्स उन्होंने दिए हैं। हमारी क्लब जो खुद की क्लब है रोटरी क्लब ऑफ बोरीवली, दे हैव गिवन व्हील चेयर एंड दी अदर थिंग्स। तो ये सारी चीज़ें हम आपके आपको जो भी नीड हो वो हमारे जो कोऑर्डिनेटर है जो बहुत ही एफिशिएंटली काम करते हैं, उसमें से खास मैं बताऊं जो सविता जी हैं वो आपके साथ कोऑर्डिनेशन में हमें बहुत ही बड़ा योगदान दे रही है। और मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि आपकी कोई भी ज़रूरत हो आप सविता से कोऑर्डिनेट करें, कला से कोऑर्डिनेट करें, हमारे जितने भी जोनल कोऑर्डिनेटर्स हैं उनसे कोऑर्डिनेट करें, और आपको जो भी हम कर सकते हैं, हमारी नीड एक जेन्यून होनी चाहिए, आपकी जो भी आवश्यकताएं हो वो जेन्यून होनी चाहिए, तो हम हमारे तरफ से जो भी बन पाएगा हम करेंगे, उसका प्रॉमिस मैं आपको देता हूँ। और इसी के साथ कला ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, वी आर ऑलरेडी लेट, सो आई विल गिव इट या बैक टू यू। और दूसरी चीज़ के 5:15 को मैं आपको डिस्टर्ब किए बिना, सबों को डिस्टर्ब किए बिना मैं मेरे को जाना पड़ेगा, बिकॉज एक दूसरी मीटिंग भी है मेरी। तो आपके साथ मिलके बहुत खुशी हुई, और मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें, और अक्सर आपकी कोई भी ज़रूरत हो हमें बताएं और हम ट्राई करेंगे कि फुलफिल करें। थैंक यू सो मच, ओवर टू यू कला। थैंक यू। थैंक यू चेतन भाई। हम योगा सेशन शुरू करने वाले हैं, आज का सेशन ले रहे हैं हमारी पास्ट प्रेसिडेंट रोटरी क्लब ऑफ मुंबई जुहू की वर्षा बराड़िया जी। वर्षा जी ने 15 साल से योगा कर रही हैं। उनका उनका व्हेन शी वांटेड When she wanted to help her best friend, she was suffering from kidney failure. She studied to become a Ayush Ministry certified yoga instructor. And अब वो एक wellness instructor है, again certified by Ayush Ministry of India. वर्षा जी free sessions ले रही हैं सब senior citizens के लिए। आप सब आज का introduction to yoga देख लीजिए क्या है, आपको कैसा लग रहा है। एंड आपको अगर सेशंस लेने हैं रेगुलर सविता जी से या मेरे से कांटेक्ट कर लेके आपके लिए वीकली सेशंस हम शेड्यूल कर सकते हैं। योगा सेशन शुरू करने से पहले एक लास्ट ईयर हमने बहुत सारे गाने सुनाए आपके लिए, तो इस बार एक गाना सुनाते हैं आपको योगा सेशन से पहले। हमारे बच्चे हैं इसका इंटरेक्ट क्लब के बच्चे आए हैं आज, तो चिल्ड्रन यू कैन सिंग वन सॉन्ग नाउ। हाय, तो मैं लुका छुपी गाना चाहती हूँ। लुका छुपी बहुत हुई, सामने आ जाना, कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे, थक गई है अब तेरी माँ, आजा सांझ हुई मुझे तेरी फिकर धुंधला गई, देख मेरी नजर आ जाना।
आजा सांझुई मुझे तेरी फिकर धुंधला गई, देख मेरी नजर आ जाना। क्या बताऊँ माँ कहाँ हूँ मैं, यहाँ उड़ने को मेरे खुला आसमां है, तेरे जिक्र सा भोला सलोना जहाँ है, यहाँ सपनों मेरी पतंग को बेफिकर उड़ रही है माँ, डोर कोई लुटे नहीं बीच से काटे ना, आजा सांझुई मुझे तेरी फिकर धुंधला गई, देख मेरी नजर आ जाना। आजा सांझुई मुझे तेरी फिकर धुंधला गई, देख मेरी नजर आ जाना। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू त्वेषा। यस, नाउ वर्षा, इट्स ओवर टू यू। प्लीज कंटिन्यू। सब हम हमारे ऑडियोज को म्यूट कर लेते हैं। नमो नमः। मैं नमो वर्षा नमः। बराडिया, इंट्रोडक्शन दिया कला जी ने, थैंक यू वेरी मच। मेरा सौभाग्य है कि मैं आप लोगों के बीच आ सकी और मैं अपनी छोटी सी सेवा आपको देना चाहती हूँ। योगा क्या है? ये सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए नहीं, ये सभी के लिए है। जस्ट अ स्मॉल इंट्रोडक्शन टू योगा। व्हाट इज योगा? योगा मीन्स चित्त वृत्ति निरोध। जो आपका चित्त है, जो मन में जो हलचल है, उसमें जो मॉडिफिकेशंस आते हैं, जो हलचल होती है, वो हलचल को बंद करने का तरीका योग है। जब आपके मन में, दिमाग में कोई भी हलचल नहीं हो, कोई थॉट नहीं हो, कोई भी समस्या नहीं हो, कोई चीज के बारे में आप सोच नहीं रहे हैं, जब आप ऐसी अवस्था में जब पहुंच जाते हैं, उस व्यवस्था को योग कहते हैं। सिर्फ एक्सरसाइज करना, प्राणायाम करना योग नहीं है। योग के अलग अलग प्रकार होते हैं, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, अष्टांग योग। जो प्राणायाम जो आता है वो अष्टांग योग का, ठीक है? आप लोग जब करते हैं अनुलोम विलोम जो करते हैं या कपाल भाती करते हैं, ये अष्टांग योग है। लेकिन सबको अष्टांग योग नहीं अच्छा लगता है। किसी को लगता है मैं सिर्फ भगवान के भजन गाऊं, मैं सिर्फ भगवान के सामने बैठी रहूं, बैठा रहूं और मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो भी योग है। बहुत सारे आर्टिस्ट है, अभी त्रिशा बच्ची ने जो गाया गाना, ब्यूटिफुल गाना, बहुत सुंदर गाना गाया है, एंड वॉट, वो इतने प्यार से गा रही थी, वो भी एक योग था, वो कर्म योग कर रही थी। जो लंगर साहिब में, अपने गुरुद्वारे में जब लंगर परोसते हैं, वो इतने भाव से पुरसते हैं, इतने भाव से खाना खिलाते हैं, वो भी कर्म योग कर रहे हैं। जब कोई सिलाई वाला, वो सिर्फ कंटिन्यूअस वो सिलाई करता रहता है, सिलाई करता रहता है, वो भी योग कर रहा है। एक कलाकार जब जी खोल के गाता है, एक कलाकार जब जी खोल के डांस करता है, वो भी योग कर रहा है। तो योग के इतने प्रकार है और हमको लगा हम सिर्फ प्राणायाम करके ही योग कर सकते हैं। जो आपको पसंद है, जो आपकी पसंदीदा चीज है, आप उसको पूरी शिद्दत से कीजिए, पूरे मन से कीजिए, आप योग में हो। जहां आपके मन में कोई राग द्वेष मोह माया नहीं आए, वो योग है। योग का ये छोटा सा इंट्रोडक्शन, लेकिन फिर भी हम सब जानते हैं योगा शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, स्वस्थ करता है। हाँ, क्योंकि हम जब सांसों पे ध्यान देते हैं, तब हमारे दिमाग में कोई थॉट नहीं आता, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, कोई थॉट नहीं आता है। तो कोशिश यही करना है कि ये यहाँ पे जो
यहाँ से जो नेगेटिविटी निकलती है उसको निकाल देना है, उसको छोड़ देना है, लेट इट गो, क्योंकि सारी प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है. ठीक है, आप सबको समझ में आ रहा है तो गिव मी अ थम्स अप. एक मुझे थम्स अप दिखाएं कि आपको समझ में आ रहा है. नाइस, थैंक यू वेरी मच. अच्छा, योगा में ना तीन तरह के योग होते हैं, मतलब ये तो अष्टांग वगैरह वो सब तो ठीक है, टेक्निकल पार्ट हो गई. बहुत छोटा सा होता है कि हम फिजिकली भी करते हैं, शरीर से भी करते हैं, और फिर सांसों से, हाँ मतलब हाथ पांव हिला के भी करते हैं, वैसे उस तरह से भी योगा करते हैं. लेकिन यहाँ पे सब सीनियर सिटीजन है, सो आज हम सिर्फ बैठ के योगा करेंगे. इज दैट ओके? गिव मी अ थम्स अप. यस यस, थैंक यू, वेरी नाइस. सो सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारे नेक की एक्सरसाइज. नेक जिसमें से 72,000 नाड़ियां निकलती है यहां से. कितनी? 72,000 नाड़ियां जो यहां से अपने शरीर से, जो अपने मस्तिष्क को और पूरे शरीर को जो जोड़ के रखती है. तो इन 72,000 नाड़ियों को ठीक रखना, इनको स्वस्थ रखना हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है. अगर आप ये करेंगे तो आपको 5 मिनट में रिलैक्सेशन मिलेगा, सिर्फ 5 मिनट्स. चलिए करेंगे हम सब साथ में, कोई करने के लिए तैयार है? यस, ग्रेट. चलिए वी विल बिगिन. शुरू करने से पहले, कोई भी काम शुरू करने से हम भगवान का नाम लेते हैं, इसलिए धीरे से अपने कंधों को रोल कीजिए और पीछे रख दीजिए, छाती आगे कंधे पीछे, हाथ नमस्ते मुद्रा, अंगूठे छाती से लगे हुए, गहरी लंबी सांस अंदर, गहरी लंबी सांस बाहर, गहरी लंबी सांस अंदर, गहरी लंबी सांस बाहर, आंखें धीरे से बंद. नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो ओझायाणम, नमो लोए सवसाहुणम. एसो पंच नमोकारो सव पाव पड़ासनो मंगलाणं च सव्वे सिंह परमं हवे मंगलम, परमं हवे मंगलम. गुरु आज्ञा से. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः. ओ gently rub your palms, दोनों हाथों को एक दूसरे में रब कीजिए, और जो थोड़ा सी गर्माहट आई है उसको अपने आंखों पर लगाइए, फिर अपने चेहरे पे, पूरे शरीर पे, पूरे शरीर पे. अपने आप से कहना है, मुझे ठीक होना है, मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं एकदम स्वस्थ हूँ. गहरी लंबी सांस अंदर, सांस छोड़ते हुए आपको राइट साइड में देखना है. 1, 2, 3, 4, 5. सांस भरते हुए आपको बीच में आना है, सांस छोड़ते हुए आपको लेफ्ट साइड में जाना है. 1, 2, 3, 4, 5. सांस भरते हुए आपको बीच में आना है, सांस छोड़ते आपको फिर से राइट साइड में जाना है. गर्दन को राइट साइड में ले जाइए. जब आप राइट साइड में गर्दन को ले जाते हैं तो आपको दूसरी तरफ खिंचाव महसूस होगा, उसे अच्छे से महसूस कीजिए. धीरे से सांस भरते हुए बीच में लेके आ जाइए गर्दन को. गर्दन को दूसरी तरफ ले जाइए, वहां पे खिंचाव महसूस कीजिए. धीरे से सांस भरते हुए बीच में आ जाइए, यहीं पे रुक जाइए. अब गर्दन को आपको ऊपर देखना है. ये जो चिन है, ये जो आपकी दाढ़ी है, ये दाढ़ी आपको
ऊपर आसमान की तरफ ले जानी है, ठीक है, ऐसे ऊपर, और सामने आपको पूरे गर्दन में आपको खिंचाव महसूस होगा, आपकी छाती से होते हुए आपके नेवल तक या आपकी नाभि तक आपको खिंचाव महसूस होगा। उस खिंचाव को महसूस कीजिए। आंखें बंद बिल्कुल नहीं करना है, सांस भरते हुए बीच में आ जाइए, सांस छोड़ते हुए आपको आपकी जो दाढ़ी है इसको छाती से लगाने की कोशिश करनी है। अब आपकी रीढ़ की हड्डी में एक 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 खुलाव, जैसे रीढ़ की हड्डी खुल रही है, मंडके सब खुल जाते हैं, उस खुलाव को महसूस कीजिए। धीरे से बीच में आ जाइए एक बार फिर, आखिरी बार ऊपर देखिए, गहरी लंबी सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए बीच में आ जाइए। ये सब सांसों का खेल है। तो छाती को पीछे लगाइए, छाती को नीचे दाढ़ी से चिपका दीजिए। धीरे से बीच में आ जाइए एंड रिलैक्स। गर्दन को एक तरफ डाल दीजिए और धीरे 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 ऐसे पूरा सर्कल करना है आपको, पूरा। आंखें खुली रखेंगे। जिस किसी को वर्टिगो का प्रॉब्लम है प्लीज वो वाली ये वाली एक्सरसाइज ना करें। कंप्लीट रिलैक्सेशन। तीन बार क्लॉकवाइज, तीन बार एंटी क्लॉकवाइज। आप जब ये एक्सरसाइज करते हैं तब आपका, अगर आप इमोशनली बहुत उदास हैं, बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, आप सिर्फ इतनी सी गर्दन की एक्सरसाइज कर लीजिए। ये मैं आपको लिख के दे सकती हूँ कि आपको 5 मिनट के अंदर सारा टेंशन रिलीज हो जाएगा। जैसे हम बुजुर्ग होते जाते हैं, हमको पुरानी यादें हमें सताती रहती हैं, तो ऐसा लगता है कि वो मुझे याद नहीं करता है, वो मुझे भूल गया, उसने मुझे को ऐसा बोला था, उसने मुझे ये किया था। तो इन सब से छुटकारा पाने के लिए ये एक्सरसाइज सबसे ज्यादा हेल्प करेगी, ठीक है। और एक बार ऐसे ले लीजिए दोनों हाथ, कंधे पे अपने दोनों हाथ। अब यहां से आपको दोनों कोनी को टच करना है और फिर ऐसे घुमा के ले जाना है। कंप्लीट रिलैक्स, पूरा धीरे धीरे ले जाना है। जितना स्लो ले जाओगे उतना ही आपको आराम मिलेगा। एंड ट्रस्ट मी, इसमें किसी का नुकसान नहीं है, इसमें फायदा ही होने वाला है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एंटी क्लॉकवाइज, वेरी गुड, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे। आई कैन सी एवरीवन डूइंग इट सो नाइसली, क्या बात है। आपने देखा छोटे बच्चे बहुत मस्ती करते हैं और बहुत इंटेलिजेंट भी होते हैं, और जैसे हम उम्र होती लगते हैं तो हम लोग तो हमको लगता है हमको याद नहीं रहता है, मैं विसर ले काई विसर ले, एक कड़े पढ़ ले होते हैं, तिकड़े पढ़ ले होते हैं, विसर ले। जैसे याद करने के लिए कैसे करना है, बहुत इजी एक्सरसाइज है आपको ना, घूमना है, सिर्फ ऐसे ऐसे घूमना है। आपकी याददाश्त को एक्टिवेट करना है। हमारे दिमाग में दो पार्ट्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं सेरेब्रम और सेरेबलम। तो वो दोनों है ना थोड़े से सुस्त हो जाते हैं, उनको हम ऐसे जब ऐसे ऐसे करते ना तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं। इट इज वेरी कॉमन, दैट्स व्हाई छोटे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत शार्प होते हैं, उनको सब कुछ याद होता है और हम सब भूलने लग जाते हैं, राइट? चलिए, ये तो रही थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटीज, ऐसे बहुत सारी है लेकिन हमारे पास सब समय थोड़ा सा कम रह गया है, तो अब हम आते हैं प्राणायाम सेक्शन पे। ओके,
प्राणायाम जो है वो हमारे सांसों को, सांसों की एक्सरसाइज, लंग्स की एक्सरसाइज, हमारे लंग्स को हेल्दी करने के लिए होता है। ठीक है, आपके लंग्स हेल्दी रहेंगे, आप अच्छे से ऑक्सीजन लेंगे तो आपके, तो आपका पूरा बॉडी एकदम स्वस्थ रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट लंग्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक एक्सरसाइज बताती हूँ आपको। दोनों हाथों को सामने लीजिए इस तरह से, सामने नमस्ते मुद्रा। आपको सांस भरनी है ऐसे, जितना पीछे ले जा सकते हो उतना पीछे, फिर सांस छोड़ते हुए बीच में, सांस लेते हुए पीछे, एक्सपैंड एक्सपैंड योर चेस्ट, सांस छोड़ते हुए बीच में, सांस लेते हुए बीच में, वापस सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए, एंड हैंड्स डाउन। दोनों हाथ ऐसे नमस्ते मुद्रा लंबे से, और फिर आपको ऐसे करना है, सांस भरना है, फिर छाती को चौड़ा करना है, फिर सांस छोड़ना है, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। ठीक है, वापस एक फाइनल एक्सरसाइज आपके लंग्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हाथ यहाँ पे रहेंगे और आपको फास्ट करना है। ओके, पहले मैं एक बार करके दिखाती हूँ, उसके बाद कीजिएगा आप। सांस भरना है, सांस छोड़ना है, सांस भरना है, सांस छोड़ना है, लेकिन इसको थोड़ा सा फास्ट करेंगे अपन। ठीक है, एंड रिलैक्स। ठीक है, सब जन थक गए हैं, मैं एक मिनट टाइम देख लूं, क्योंकि आई डोंट वांट सबको लेट होना चाहिए। ठीक है, हमारे पास है 20 मिनट्स है, इज दैट ओके? कला जी, इज दैट ओके? 20 मिनट्स? या आई थिंक यस, यू कैन गो। ओके ओके ओके, जस्ट अ सेकंड। अब मेरे पास आप लोग आ जाइए, मैं अपना, मैं आपको कपालभाति करना सिखा रही हूँ। ओके, थैंक यू फॉर दैट थम्स अप सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, कपालभाति क्या होता है? जब सांसों को आप जोर से धक्का मारते हो, जैसे सुबह उठ के घर में सफाई करते हैं ना, ऐसे झटका मारते हैं ना, आपके सुबह में आते हैं ना जो भी सफाई करने के लिए जो लोग आते हैं, तो हमारे अंदर के फेफड़ों की सफाई करने के लिए, हाँ, झटका करने के लिए जो आती है, करेक्ट? तो हम हमारे अंदर के फेफड़ों की सफाई कर रहे हैं। कैसे करना है आपको? पेट में धक्का मारना है, पेट में धक्का मारना है, पेट से धक्का मारोगे और नाक से बाहर सांस फेंकनी है। ओके, एक बार वापस करते हैं, आई कैन सी पीपल डूइंग इट, वाओ, वेरी नाइस वेरी नाइस। ठीक है, ये हमको करना चाहिए कम से कम, आप जैसे सब सीनियर सिटीजन को मैं बोलूं, आप लोग 30, 30 और 30 के सेट करेंगे तो आपका लगभग 3 मिनट में हो जाएगा, सिर्फ 3 मिनट में, और 3 मिनट में आपके लंग्स एकदम क्लीन हो जाएंगे, सफाई। ठीक है, एक बार मेरे साथ करेंगे, मैं सिर्फ 15 का सेट करवा रही हूँ, ज्यादा नहीं करवा रही हूँ, सिर्फ 15 का सेट, इज दैट ओके? गिव मी अ थम्स अप, yes, thank you very much, nice, can we begin? Inhale and start,
स्टॉप. ब्यूटिफुल. अभी जो दूसरा राउंड करने जाएंगे हम, उसमें आप लोग सब अपनी आंखें बंद करेंगे, और आंखें बंद करने के बाद में आपका ध्यान, जैसे ये मैंने बिंदी लगाई है ठीक यहीं पे, आप अपना ध्यान अपनी दोनों पलकों, अपने आईब्राउज के बीच में लेके आएंगे. आंखें बंद, आपका ध्यान यहाँ पे, और वहां से अंदर से आपको एक सफेद रोशनी आती हुई दिखाई देगी, उस रोशनी पे आपको नजर करना है. ठीक है, जब आपको सफेद रोशनी दिखाई देने लगे, इसका मतलब आपका कपालभाति बहुत बहुत सुंदर हुआ है. ठीक है, आंखें बंद करेंगे सब जन, और मैं काउंट दूंगी और आप लोग काउंट पे करेंगे. सब जन आंखें बंद, गहरी लंबी सांस अंदर एंड बिगिन. 1 2 3 कपालभाति कीजिए. 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Relax. धीरे से दोनों हाथ को रब कीजिए. दोनों हाथों को इस तरह से एक दूसरे में रब कीजिए, और अपने पलकों पे फिर से लगाइए उस गर्म हवा को, उस गर्म हाथ को, और फिर से अपने शरीर को पूरा खोलें. जिनको भी अगर हाई ब्लड प्रेशर है, मैं सब सीनियर सिटीजन को मैं बहुत स्लो करवाती हूँ, बिकॉज मोस्टली सब सीनियर सिटीजन को हाई ब्लड प्रेशर होता है या कुछ ब्लड प्रेशर रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होती है, इसीलिए सॉफ्ट करना चाहिए, जेंटल. जो अभी रेट किया है उसी रेट पे करना चाहिए, फास्ट नहीं करना है आपको, अगर आप लोग अकेले में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो. ठीक है, सेकेंड करेंगे हम भ्रामरी, और फाइनल नहीं हम करेंगे नाड़ी शोधन. आज आपको अनुलोम विलोम नहीं सिखा सकते क्योंकि वो बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा. ठीक है, भ्रामरी प्राणायाम करना है आपको, बहुत सिंपल है, आप लोग मुझे अच्छे से देख लीजिए, मैं अपने पास लेके आती हूँ ताकि. ये अपनी 10 उंगलियां हैं, कैन यू सी मी प्रॉपरली. यहाँ पे आपको इस तरह से अपने पलके बंद करनी है, अपने नाक पे रखना है, अपने होठ पे रखना है, और अपने होठ के नीचे रखना है, और ये दो अंगूठे से अपने कान के अंदर रखना है. उसके बाद में आपको गहरी लंबी सांस लेनी है, और उसके बाद में आपको भवरे की गुंजन जैसी आवाज निकालनी है. वाओ, आई कैन सी ऋषभ पवार जी के उधर हो रहा है. वाओ, दिस इज ऑल्सो नाइस. आनंद वहां पे भी हो रहा है. ब्यूटिफुल. ये हम 3 बार करेंगे. ठीक है, ओनली 3 टाइम्स. एक बार फिर से करते हैं. अंदर एंड बिगिन. गहरी लंबी सांस अंदर. दोनों हाथ नीचे. इसके बाद आपका शायद किसी से बात करने का मन ना करें, हो सकता है कि आपको आपके अंदर ही रहने का मन करे, ऐसा हो सकता है. जब भी आपको लोनली फील हो, डिप्रेशन फील हो कि मुझे किसी से बात नहीं करना है या मेरा मन नहीं लग रहा है, आप ये वाला आसन कर सकते हैं, ये वाला प्राणायाम कर सकते हैं, एंटी डिप्रेसेंट. एंड लास्ट एंड फाइनल, ये तो रामबाण है, मतलब
हमारे योग गुरु योग मास्टर सब करवाते हैं। ये इस तरह से बंदूक बनाइए, हाथों की बंदूक बनाए और उसको अपने यहाँ पे रख दीजिए और अंगूठे से आपको एक एक नासिका बंद करनी है और ये उंगली से ये वाली नासिका बंद करनी है। अब आपको लेफ्ट से सांस अंदर लेनी है, दोनों नाक बंद कर दो और फिर राइट साइड से छोड़ना है, फिर राइट से लेनी है और फिर लेफ्ट से छोड़ना है। इनहेल लेफ्ट, एक्सहेल राइट, इनहेल राइट, एक्सहेल लेफ्ट, इनहेल लेफ्ट, एक्सहेल राइट, इनहेल राइट, एक्सहेल लेफ्ट, इनहेल लेफ्ट, एक्सहेल राइट, इनहेल राइट, एक्सहेल लेफ्ट, लास्ट राउंड, इनहेल लेफ्ट, एक्सहेल राइट, इनहेल राइट, एक्सहेल लेफ्ट। दोनों हाथ नीचे, फिर से एक बार दोनों हाथों को रब कीजिए, अपने पलकों पर लगाइए, आंखें बंद ही रखेंगे, कोई भी आंखें नहीं खुलेगा। हाथ नमस्ते मुद्रा, मैं 3 बार ओम बोलूंगी, आप लोग अपनी सब आंखें बंद रखेंगे। I thank my parents, my teachers, my yoga gurus, my yoga masters. I thank all the natural elements of the universe. अगर मैंने किसी का कभी भी मन दुखाया हो तो समिच्छामि दुक्कड़म। आखिरी बार अपने दोनों हाथों को रब कीजिए, अपने अपने पलकों पर लगाइए, अपने शरीर पर लगाइए। ये पॉजिटिव एनर्जी जो अभी अभी आपने जो प्राणायाम से किया है, एनर्जी जो जेनरेट हुई है, उसे पूरे शरीर पर लगाइए। बंद आंखों से पूरे शरीर पर लगाइए और जहां पे भी अगर आपको लग रहा है कि मुझे यहाँ पे दर्द हो रहा है, वहां जरूर ज्यादा लगाएं। ये एनर्जी क्रिएट की है आपने खुद ने, आपने स्वयं ने। और मुस्कुराते मुस्कुराते आंखें खोलिए। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत बहुत धन्यवाद। What a beginning, Varsha. Well done, well done. I'm yes. so happy, sir, that everyone was doing it. I can see Rishabh Pawarji ke saamne jo camera laga hua hai. They were doing it so beautifully. Anand Ashram, they were doing it. Yeah. Sir, aap bahut achhe se kar rahe the. Aap ekdam perfect kar rahe the. राठोड ओल्ड एज होम ऑल्सो
सविता जी, वी कैन सी हाउ वी कैन वर्क आउट एंड सी इनके लिए सेशन कैसे लेना है. Yes, but you know I would like more people to be involved. I have two old age homes here also, like, you know, I will personally visit them and ask them to join. Yes. So we declare a schedule and then we ask them to join. Yes, yes. That is yes. a better way of going about it, and we only want people from old age homes and anybody else who are like want to Rotarian come, okay. Senior citizens who want to join can join. They can join that, but that's not compulsory. But for them, you know, make a schedule and make it mandatory for them so that they can be benefited properly. Otherwise, what will happen? Like, itna efforts kar rahe hain, to maximum people should be benefited. Yes, yes, I totally understand. Totally yes. agree with that. Yeah. Yes. We will need to work out a thank you. Timing for everybody. Yeah. yeah. So, what is the timing? That also let us know. We will. Yeah. We will schedule. Coordinate. Yes. Yeah. See, coordinate if, with Varsha and then inform. Yeah. If morning 8 to 9 is like, you know, it's a good time for yoga, then if they are okay with that, you know, we can have most of us also can join, because morning 8 to 9 is not you know that busy. So. But ask them, you know, whatever is convenient time to all the old age homes, humko unka convenience pehle dekhna hai and baad mein schedule karna hai. Aur Varsha ji ka, baki hum to sab jagah ready. Thank you so much. Thank you, Varsha. And sabhi senior citizens ko pranam. Aapne aaj join kiya. Aapko, I'm sure aapko bahut achha laga aaj. ये एक्सरसाइज करके, ये प्राणायाम करके आज अच्छी नींद आएगी आप सबको, देख लीजिए. एंड हम शेड्यूल सविता जी के साथ मिलकर आप शेड्यूल करेंगे कि आपके लिए सेशंस हम कभी ले सकते हैं करके. यस यस, थैंक यू सो मच. या वी कैन थैंक यू, वी कैन एंड द मीटिंग. थैंक यू, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू आशीष, थैंक्स, कांग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू. इट्स अ गुड बिगिनिंग, एक्सीलेंट इनिशिएटिव. अरे यार, तुम लोग है तो हम, आप है तो हम है जैसा है. थैंक यू आशीष. प्रेसिडेंट करते हैं, बाकी सब तो चलते रहता है. ओके, बाय 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 बाय. थैंक्स 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 सविता फॉर कोऑर्डिनेशन. अरे मेरा तो, मेरा ड्यूटी है ये. हाँ बराबर है, अभी थोड़ा और ज्यादा करेंगे. अब पीछे yes, पड़ूंगा yes. मैं. यस टाई, योर म्यूट टाई, योर म्यूट, योर म्यूट टाई. ओके, थैंक यू, बाय बाय बाय. थैंक यू वर्षा, थैंक यू सो मच. थैंक यू चेतन, थैंक यू सविता, थैंक्स आशीष. वर्षा, हां हां, यस, थैंक यू मोनिका. यू आल्सो एंजॉयड द सेशन, आई थिंक यू वर आल्सो डूइंग द सेशन. आई थिंक, थैंक यू ऋषभ, प्लीज आई एम अ सीनियर सिटीजन, टेक फॉर मी आल्सो. मोनिका हमारे नई मेंबर है. मोनिका, शी इज पार्ट ऑफ आवर टीम फ्रॉम नाउ ऑन, नो प्रॉब्लम. हाथ पैर दर्द होता है, मैं सीनियर. बाय एवरीबॉडी.